यूपी में कुछ दशक पहले चलते हैं, कहां से शुरू करें? लोग कहते हैं कि पूर्वांचल में एक हत्या ना हुई होती तो शायद पूर्वांचल रक्तांचल ना बनता। यूपी की सियासी पार्टियों ने अगर माफियाओं और बाहुबलियों का सपोर्ट ना किया होता तो शायद आज मुख्तार अंसारी, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, सुनील राठी, धनंजय सिंह जैसे बाहुबली यूपी में पैदा नहीं हो पाते। कभी कल्याण सिंह की सरकार में राजा भैया को बढ़ावा मिला तो कभी मायावती की सरकार में मुख्तार को रॉबिन हुड की छवि दी गई। 80 के दशक में कांग्रेस काल में कांग्रेस के विधायक हरिशंकर तिवारी यानी हाथा वाले बाबा जैसे बाहुबली या माफिया भी सत्ता के नजदीक रहे। क्या यूपी असल में माफियाओं और बाहुबलियों के लिए रिसर्च की मिट्टी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब से भी ज्यादा माफिया यूपी में कैसे जन्मे? यूपी इतना बद नहीं जितना बदनाम हुआ, लेकिन जो भी कहानी है कई सालों से एक जैसी लिखी जा रही है। पिछले कुछ सालों से कहानी लिखने वाला लेखक बदल गया, जिसने ओढ़ा है भगवा चोला, जिसे साफ करना है माफियाओं का टोला। अब आगे देखिए यूपी इन माफियाओं और बाहुबलियों से कैसे निकल रहा है। माफियाओं के लिए जो साल काल बना वो साल था 2016, जब एक साथ कई माफियाओं को अखिलेश ने पार्टी में ना तो टिकट दिया और ना ही पार्टी में रखा, यानी उन सभी माफियाओं को घर से बेघर कर दिया। दूसरा साल था 2017, जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो माफियाओं को न सिर्फ साइड किया बल्कि उनको उनके सही ठिकाने यानी जेल की सलाखों में भी पहुंचा दिया। अपराधी हो या माफिया, सबके लिए एक जैसे नियम यूपी में लागू हुए। बड़ा हो या छोटा, सबके ऊपर पुलिस की लाठी पड़ी। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बस मुख्तार पर हुई कार्रवाई को जानते हैं, जबकि योगी सरकार में अब तक 150 से ज्यादा खतरनाक अपराधी या माफियाओं का एनकाउंटर किया जा चुका है। यहीं से शुरू होती है यूपी के नए भविष्य की कहानी। अब तक यूपी की छवि यही थी कि वह माफियाओं का राज होता है, लेकिन अब कहानी बदल रही है तो जनता में भी भरोसा बढ़ने लगा। तो क्या आने वाले वक्त में यूपी माफिया मुक्त होगा? इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा। पहले माफियाओं की सहमति से काम होता था, अब माफियाओं की एक नहीं चल रही है, पुलिस भी डरती नहीं। अब आप योगी को कितना नंबर देंगे ये आप तय करें, अखिलेश को कितने नंबर देंगे आप तय करें, लेकिन आप यूपी के बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। हालांकि एक चुनौती बढ़ती दिख रही है, यूपी में माफियाओं की सफाई में एक नया व्यापार पनप रहा है। ज्यादातर माफिया अब खुद अपराध छोड़कर किसी न किसी पार्टी की शरण चाहते हैं, जैसे मिर्जापुर के विनीत सिंह माफिया हैं, लेकिन वो बीजेपी की शरण में है। धनंजय सिंह माफिया है लेकिन राजनीतिक शरण से वो बचता रहा है। उधर माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह बीजेपी से विधायक है। ब्रजेश खुद MLC हैं, यानी लाल धरती तो साफ हो रही है लेकिन राजनीति के दामन पे बढ़ रहा अपराधियों और माफियाओं का रंग भी सवालों को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।